नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के लिए भीड़ जुटाने के लिए समर्थकों को फोन करने का आरोप लगा है। इसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है जिसमें अखिलेश प्रसाद सिंह अपने एक समर्थक को सारण के भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के लिए भीड़ जुटाने का निर्देश दे रहे हैं। साथ ही अखिलेश प्रसाद सिंह अपने समर्थक को यह भी कह रहे हैं कि 10 से 20 लोगों को ले जाना, वहां नारे लगवाना, साथ ही नारा क्या लगाना है वह भी बता रहे हैं। आवाज स्पष्ट है कि कहा जा रहा है कि नारा लगाना कि ब्रह्मर्षि समाज जिंदाबाद, राजीव प्रताप रूडी जिंदाबाद। साथ ही यह भी कहा कि रूडी के काम में कह देना कि अखिलेश बाबू बोले हैं। हालांकि इनसाइडर लाइव इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। यह ऑडियो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह और जाप नेता और पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह यादव, राष्ट्रीय महासचिव राजेश पप्पू द्वारा जारी किया गया है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा गया है उस वायरल ऑडियो में। जा रहा होगा रूडी जी, टाउन हॉल में प्रोग्राम है समझे जी, तो इसी 10-20 को आदमी लेके ब्रह्मर्षि समाज जिंदाबाद, रूडी जी जिंदाबाद, मैंने कोई कांग्रेस के बैनर से नहीं, अच्छा अच्छा, टाउन हॉलवा के पास खड़ा हो गए जी जी। तुम उसको धीरे से बोल देना कि अखिलेश बाबू बोले थे जी। ठीक ठीक ठीक। जाप राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बारे में कहा कि कुछ लोगों द्वारा INDIA गठबंधन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार कांग्रेस इकाई द्वारा इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश सिंह राजद छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, उनकी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है। साथ ही प्रेमचंद सिंह ने अखिलेश प्रसाद सिंह पर भाजपा का पेड एजेंट होने का भी आरोप लगाया है। ऐसे ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।